आज हम इस एपिसोड में एलिमेंट्री ड्राइंग एग्जाम का प्लेन ज्योमेट्री का सेकंड क्वेश्चन का सब क्वेश्चन 2 सॉल्व करने वाले हैं। आज का यह क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में एक्सप्लेन होगा। ड्राइंग एग्जाम गाइड इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, पास वाले बेल आइकन को ऑल करना है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना है। प्लेन ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए कंपास, इसे राउंडर भी बोलते हैं, उसके साथ स्केल और पेंसिल, ये ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट चाहिए। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, उसका अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन करके उस क्वेश्चन को समझ लेना है। इंग्लिश क्वेश्चन सेक्शन फर्स्ट सब बेसिक कंस्ट्रक्शंस, एग्जांपल 2, टू डिवाइड अ गिवन लाइन इन टू 4 or 8 इक्वल पार्ट्स। क्वेश्चन, डिवाइड लाइन ए बी 7 सेंटीमीटर लॉन्ग इन टू 8 इक्वल पार्ट्स। उदाहरण दूसरा, कुछ मूलभूत कृति, दिए गए रेखा के 4 अथवा 8 समान भाग करना है। हिंदी प्रश्न, 7 सेंटीमीटर लंबाई वाली रेखा ए बी के 8 समान भाग करो। पहले हमें प्रश्न में दिए गए अनुसार 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर लंबी वाली रेखा ए बी को लेना है इस प्रकार से। उसके बाद उसे नाम देना है ए और बी। ए बी लाइन हमने 7 सेंटीमीटर ली है, इसीलिए यहाँ पर 7 सेंटीमीटर लिखना है। उसके बाद कंपास राउंडर की मदद से हमें इस ए बी लाइन के इक्वल 8 पार्ट करने हैं। पहले हमें इसके 2 पार्ट करने हैं, बाद में 2 के 4 और 4 के 8 पार्ट हम बनाएंगे। ए बी के इक्वल 2 पार्ट बनाने के लिए हमें ये पॉइंट पर कंपास का स्टील वाला पॉइंट रखकर कंपास में ए बी से 1/2 अप्रोक्सीमेटली 1/2 से थोड़ा ज़्यादा कंपास में डिस्टेंस लेके, राउंडर में डिस्टेंस लेके ऊपर वाले हिस्से पर एक आर्क बनाना है। वैसा ही आर्क हमें नीचे बनाना है इस प्रकार से। उसके बाद उसी डिस्टेंस से दोनों आर्क पर बी पॉइंट से 2 आर्क बनाने हैं इस प्रकार से। दोनों आर्क एक दूसरे को क्रॉस कर गए, वहाँ पॉइंट लेना है, वो पॉइंट को डार्क करना है और उसे लाइन से जोड़ना है इस प्रकार से। यहाँ पर ए बी लाइन को ये लाइन क्रॉस कर गई है, यहाँ पर पॉइंट मिला है, उसे नाम देंगे ओ। ए बी लाइन के हमने समान इक्वल 2 पार्ट बनाए, अब ये दोनों के और 2-2 बनाएंगे, 4 हो गए इस प्रकार से। ए पर कंपास का पॉइंट रखकर, राउंडर का पॉइंट रखकर अप्रोक्सीमेटली कंपास में डिस्टेंस लेके नीचे एक आर्क, ऊपर एक आर्क, उसी तरह ओ पॉइंट से उस आर्क पर फिर से आर्क बनाने हैं। यही कृति बी बिंदु से करना है, सेम यहां पर ये आर्क एक दूसरे को क्रॉस कर गए हैं, वहां पॉइंट मिला है, उसे डार्क करना है और सामने वाले पॉइंट को रेखा से लाइन से जोड़ना है इस प्रकार से। यहां पर एओ लाइन को, ए बी लाइन को इस लाइन ने क्रॉस किया है, यहां पर पॉइंट मिला है सी,
और यहाँ पर पॉइंट मिला है डी। बीबी लाइन के हमने ए दो तीन चार चार इक्वल पार्ट बनाए हैं। क्वेश्चन में दिया गया है एबी लाइन के हमें एट इक्वल पार्ट बनाने हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ एसी लाइन मिली है इसके दो बनाएंगे इक्वल पार्ट, सीओ लाइन के दो इक्वल पार्ट, ओडी लाइन के दो इक्वल पार्ट और डीबी लाइन के दो इक्वल पार्ट बनाएंगे सेम इसी तरह से। फिर चार पार्ट बन गए, चार के एट पार्ट, आठ पार्ट हमें मिल जाएंगे। वही कृति यहाँ पर करना है, ए पर राउंडर कंपास का पॉइंट रखना है, स्टील वाला पॉइंट अप्रोक्सीमेटली हाफ से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस कंपास में लेके निचले वाले हिस्से पर एक आर्क करना है, ई बी लाइन के नीचे वाले हिस्से पर एक आर्क और ऊपर वाले हिस्से पर दूसरा आर्क करना है। उसी डिस्टेंस से सी पॉइंट से इन दोनों आर्क पर सेम आर्क बनाने हैं इस प्रकार। यहाँ पर भी यही कृति, यहाँ पर भी सेम करनी है। यहाँ ऊपर दो आर्क एक दूसरे को क्रॉस कर गए, नीचे भी वैसे क्रॉस कर गए, वहाँ पॉइंट मिले हैं उनको डार्क किया और लाइन से जोड़ दिया। वही कृति यहां पर करनी है इस प्रकार से। यहां इस पॉइंट को नाम देना है पी, यहां पर क्यू, यहां पर आर और यहां पर यस। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। एबी लाइन के हमने इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट इक्वल बनाए हैं, इसे हमें चेक करना है। तो क्या करेंगे हम, एपी इतना डिस्टेंस कंपास में लेंगे और इसे चेक करेंगे इस प्रकार से। ये सभी पार्ट एक समान और इक्वल यहाँ पर मिले हैं तो यह क्वेश्चन हमारा करेक्ट आ गया है, राइट आ गया। आज का यह क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। थैंक यू।